महाराज जी दे महिमामयी स्थान महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी की हाजिरी पर रहे यात्रा कर रहे और मीडिया राही इस पावन स्थान नाल जुड़े हुए गुरमुख प्यारियो पावन शब्द जिसका मूल पाठ मान योग सन्मान योग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हैड ग्रंथी साहब जी को आप जी ने सरवण किया। पावन पौड़ी ते सलोक जो माझ की वार दे ने जिमें गुरु प्यारिया ने आप जी ने दसिया गुरु नानक साहब जी की ये पावन पवित्र रचना है। प्रथम श्लोक है महला पहला श्लोक मच्छी तारू क्या करे। तारू दा अर्थ है वो पानी जिसनू तैर के पार किया जा सके तैर के लंघिया जा सके। एक पानी हुंदा जिसनू तुर के लंघिया जाता है गोडियां तक है पट्टां तक है चल के जा सकते पार कर सकते। एक पानी है जिहड़ा चल के पार नहीं हुंदा सिर तो तां तक उस नूं तैर के पार किया जाता है। एक पानी है जिसनूं तैर के भी पार नहीं किया जा सकता किसी बेड़े राही किसी बोट राही नौका राही उस नूं पार किया जा सकता है। हुण पानी थोड़ा होवे जिहदे विचों बंदा चल के जा सके पानी वो होवे कि जिहदे विचों बंदा चल के नहीं जिहनूं तैरना आउंदा है वो पार जा सके ते होवे समुंदर ते जिसनू ना तैर के पार किया जा सके ना चल के पार किया जा सके किसी वड्डे साधन राही बेड़े राही जहाज राही उसनू पार किया जा सके। बाबा जी कह लगे इस तीन तरह के पानिया का कोई असर मच्छी ते हो सकता है। मच्छी इहदा प्रभाव कबूलदी आ नहीं कबूलदी। मैनू खिमा करियो मच्छी एग्जैम्पल है उदाहरण है। गल मनुख दे मन दी हो रही है गल मनुख दी मूर्खता दी हो रही है। सतगुरु कह लगे कई ऐसे मूर्ख ने कि जिन्हां ते जिवें मच्छी ते जल दा कोई प्रभाव नहीं वो नचदी है टपदी है टिकदी नहीं। तुहाडा क्या ख्याल है कि जे पानी तैर के लंघन वाला है जां तुर के लंघन वाला है जां समुंदर दा पानी है किसी तरह के भी पानी दा मच्छी ते कोई प्रभाव है उहदा अक्ष जिहड़ी मच्छी है कबूलदी है। कई बार पता की हुंदा है कि कई बंदे बंदियां दी गल छड्डो साडे तुहाडे वर्गियां दी गल छड्डो गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी कह लगे कई ते रब भी समझाउण आजे ते नहीं समझदे। शाड को चर्चा आन ना जाने गुरु ग्रंथ साहिब जेडे केवल कुचर्चा करदे ने चर्चा नहीं उसारू संवाद नहीं उसारू टेबल टॉक नहीं जिहदे विचों कौम लई पंथ लई जां इंसानियत लई कोई उसारू होवे सिरजनात्मक होवे वो चर्चा नहीं वो संवाद नहीं जिहदे नाल समाज का नुकसान होना है जिहदे नाल भाईचारे का नुकसान होना है जिहदे नाल कौमीयत का नुकसान होना है उसनू आखदे ने कुचर्चा। जिहड़ा चर्चा का संवाद है ना चर्चा का जिहड़ा बाबे ने कंसैप्ट दिता है वो ये दिता है भी रोस ना कीजे
चर्चा के दौरान भाई रोस ना करी गो इतने तो कृपाना लैके आ जाते पहला कृपाना पड़िया होंदिया ने। हुण जिहड़ा बंदा पहला ही शस्त्र लैके चर्चा करन आया उहदे ते शस्त्र का असर उहदे ते शस्त्र का असर हो सकेगा। साढ़ को चर्चा आन ना जाना ब्रह्मा हूं को कबीर कह लगे मेरी केड़ी गल है। उन्होंने ब्रह्मा भी समझा जेना रब भी समझा जे नहीं समझते तो ख्याल है कि बाबे नानक साहब जी की गल न सारिया समझ लिया सी सारिया ने फॉलो कर लिया सी ते एदा की अर्थ है कि बाबे नानक साहब वर्गा कोई होर महापुरख हो सकता है वड्डा समझाने वाला कि साडे वर्गे बंदे समझ गए गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ के समझे ते एदे विच गुरु की बाणी का कोई दोष है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के व्याख्याकार भाई गुरदास साहब आखते ने सहस फलों कह लगे हजारा ही फल दरख्त नूं लगते ने सब मिठे होंदे ने ते जे एक फल किसी दरखत का विगड़ गया तो दरखत का दोष नहीं है उन्हें जरूर किसी ने टच किया होगा उसे जरूर किसी ने ठूंगा मारिया होगा। बाबा जी कह लगे जिवें मच्छी ते पानी का कोई प्रभाव नहीं पानी जिहड़ा मर्जी हो मच्छी हजूर आखदे तारू क्या करे मच्छी ते तारू पानी दा की प्रभाव पै सकदा है भाव नहीं पैंदा वो अपनी आदत नहीं छड्डदी। पंछी क्या आकाश आकाश विच पंछी उड़दा है ते पंछी आकाश दे प्रभाव नू कबूलदा भी इहदा अंत नहीं है उहदे ते आकाश दा असर नहीं। इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी अंदर महाराज ने इवें भी आख्या दे तप्पै घना दे बग्गा तप्पै घना कालिया काले वन कह लगे दिन तपदा दिन रोशनी दिंदा पर काले ते काले ही रहिंदे ने दिन दे विच भी रात विच भी काले दिन विच भी काले। बाबा जी कह लगे कई ऐसे लोग ने जिन्हां ते असर हुंदा ही नहीं जिवें पंछी ते आकाश दा असर नहीं कईयां ते गुरु दी गल दा भी असर नहीं। कौआ कहां कपूर चुराए चुराए गुरु ग्रंथ साहिब पिता कह लगे कौए नूं कां नूं कपूर खवा उह खाएगा उहनूं पता है भी कपूर की है वह कपूर के प्रभाव में जानता है तो यदा की अर्थ है कि कपूर कीमती नहीं है कपूर सुगंधी वाला नहीं है। कौआ कहाँ कपूर चराए कहाँ बिसरे को दूध पियाए बाबा जी कह लगे सप्प ते दुध का असर होंदा मैनू खिमा करो जेडे साडे वर्गे बाणी पढ़ के भी बाणी के असर तो बेअसर ने अंतरीवी तौर पर सब तीरत डसते डंगते हैं। हुण तुहाडा की ख्याल है कि सप्पै दुध पिया ली है भाई गुरदास सप्प नूं दुध पियाओ दुध का असर उहदे ते होएगा वह जहर छड्डेगा तो इहदा अर्थ यह नहीं है कि दुध ठीक नहीं है सप्प की फितरत नहीं बदलती। भाई गुरदास साहब कह लगे कई विगड़े ने जिन्ना मर्जी समझा लो वो गुरु की कही गल नूं भी नहीं सुनते नहीं मनते। और एक मैं बेनती करा मैं पहला भी कई बार बेनती की है जेड़ा बंदा धर्म स्थान ते रह के विगड़ गया किथे लैके जाओगे जिदे ते गुरु का प्रभाव नहीं है बाणी का प्रभाव नहीं है कोई होर स्थान है जिथे जाके वो ठीक हो जाएगा। एक ऑप्शन है कि बंदा बिगड़िया ख्याल गलत ने जीवन जांच गलत है गलत पासी चल रहा उन्हें गुरुद्वारे लैके आओ गुरबाणी सुनेगा पाठ सुनेगा ठीक हो जाएगा। पर जिहड़ा गुरुद्वारे रह के बिगड़ गया इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी ने इवें आख्या बाबा फरीद जी के बचन ने कह लगे तत्ती तोए
तत्ती कहिंदे ने सड़ी होई, तोए कहिंदे ने पानी दी। पानी खेती नू हरिया करदा है, पानी खेती दा जीवन है, साडा भी जीवन है, पर पानी विच लोग डुब के नहीं मरदे। पानी जीवन है खेती दा, पर कई बार ज्यादा पानी हड़ आ जाने ते खेती सड़ जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब पिता कह लगे तत्ती तोए ना पल्लवै। प्यारिया याद रखी, खेती पानी तो बिना कोमला रही है हरी हो जाएगी, पानी देगा, पर जेड़ी खेती पानी दे विच सड़ गई कदी हरी नहीं होंदी। कई ऐसे ने, मैनू खिमा करे, जिन्हां गुरु ने भी समझाया ते नहीं समझे। तुहाडा के ख्याल है कि गुरु दरबार अंदर सब सुधरे ही हुंदे ने, साडे वर्गे सब ठीक हुंदे ने? मैं एक उदाहरण तुहाडे सामने रखण लगा कि बाबा नानक साहब नूं लोगां पत्थर नहीं मारे, कुराइया बेताला नहीं किया, ते की उन्हां बाबे नानक साहब नूं देखिया नहीं होएगा? बिना देखण तो उन्होंने ये अपना ओपीनियन दे दिता कि साडा साडी सोच विच ये है बाबा नानक। ते दूसरे बन्ने भट्टा नूं पुछो, वो आखदे नहीं बाबा नानक तू करतार है, तू निरंकार है। एक बन्ने एक आदमी ये कह रहे ने कि कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, बाबा नानक ते दो नहीं हैं। जेड़े बाबे नूं पूतना कराइया कह रहे ने वो भी इंसानी ने, ते जेड़े ये गल आख रहे ने कि बाबा नानक तेरे दरबार वर्गा दरबार ही कोई ना, आप नारायण कलाधार है, तो वह भी इंसानी ने, नजरिया अपना अपना। ते कईयां दा नजरिया बिल्कुल नहीं बदलता। भाई दातू जी गुरु अंगद देव साहब के पुत्र ने, पुत्री आना गुरु प्यारियो, ते जीवन की है? बाबा अमरदास साहब नूं भरे दरबार विच लत मार के सुट दिंदे ने। गुरु अंगद साहब जी का प्रभाव कोई कबूलिया पया कोई प्रभाव? यही हाल है कि मच्छी तारू क्या करे, पानी तैरन वाला होवे, जहाज ते चढ़ के पार करन वाला होवे, मच्छी ते कोई असर नहीं। हुण एक गुरु पुत्र गुरु जी नूं लत मार के थले सुट रहा है, ते दूसरी उदाहरण गुरु ग्रंथ साहिब विचों, मोरी पुत सनमुख होवा। कह लगे मोरी जी ने अपने पिता जी की गल मनी, गल ते उन्होंने केवल मोरी जी नूं नहीं कही, मोहन जी नूं भी कही है। तुहाडा की ख्याल है कि गुरु अमरदास ने कला मोहन नूं क्या होगा कि बाबा जी मोरी जी श्री गुरु रामदास साहब के चरणों च मत्था टेको? एक कभी हो सकता एक पुत्र नूं कहन, दोनों नूं कहा, पर एक ते प्रभाव पैया इस बचन का, दूसरे ने नहीं कबूलिया। बचन में कोई भिन्नता नहीं, जे बचन तो एक ही है। मैं तीसरी उदाहरण दिया, श्री गुरु अर्जुन देव महाराज भी गुरु रामदास साहब जी दे पोती ने, ते बाबा पृथिया वह भी गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी के भ्राता ने, गुरु राम साहब जी दे, गुरु रामदास महाराज जी दे वड्डे फरजंद ने। जीवन विच किन्ना अंतर है। अर्जुन देव साहब जी दे चरणा ते महाराज गुरु रामदास साहब मत्था टेकदे ने, आखदे ने ए फरजंद जी गुरु ने। ते दूसरे पुत्र दी बारे गुरु ग्रंथ साहब दी पावन बाणी विच ही गुरु रामदास साहब जी दे बचन ने, वो बचन पता की ने? वो बचन है कि काहे पूत झगड़त हो संग बाप। एक पुत्र नूं गुरियाई देख के मत्था टेकदे ने, एक पुत दी मुतलक गुरु रामदास साहब विचार दे रहे ने, हो पुत अपने बाप नाल क्यों झगड़दा? ये पृथिया झगड़िया, और शायद आप जी नूं पता होवे कि बाबे पृथ्वी चंद ने गुरु दरबार दे अंदर गुरु अर्जुन देव साहब की जो दस्तार बंदी हुई, दस्तार भी खोली, झपट मार के खोली,
ते बाबा बुढ़ा साहब कह लगे वाह पृथ्वी चंद वाह ते तुहाडा की ख्याल है जो उपदेश गुरु रामदास महाराज ने बाबे पृथ्वी चंद नूं दिता उही गुरु अर्जुन देव साहब नूं दिता। बाबे पृथ्वी चंद ते उपदेश का कोई असर होया? मच्छी दारू क्या करे, पंछी क्या आकाश, उन्हां ते कोई असर होया? अगर किसे ते बाणी का असर गुरु दरबार का असर नहीं हो रहा, इहदा अर्थ यह नहीं है कि बाणी का असर है ही नहीं। काहेरे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगड़त पाप। ओ पुत, जिस प्यो दे कारण जन्मिया, जिस मां ने कुख विच रखिया, अगर उन्हां दे नाल लड़दा ते तू पाप कमा रहे, पाप कमा रहे। और रियलिटी है, जिहड़ा बच्चा मां बाप नाल झगड़दा कलेश पांदा, खिमा करियो उहदा पाप किते नहीं मिट सकता। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਕਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਮੂਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਅੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਦੇ, ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਅਰਥ ਹੋਏ, प्रमाण अर्थ हो, जिन्हां विच बड़ा लॉजिक है, वह पंथ रतन जी दे ने, ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दे ने। इस पंक्ति तो उपरंत जिहड़ी एंड वाली पंक्ति है उहदे विच भी मूर्ख ही कहा गया है। ज्ञानी जी कहिंदे मूर्ख दा अर्थ है जिन्हें मूंह ही अगे रखिया, सोच अगे नहीं है, ज्ञान अगे नहीं है, गुरु अगे नहीं है, जीवन जांच अगे नहीं है, कुछ भी अगे नहीं है, केवल मूँह ही अगे है। जो मूँह विच आ रहा है बोल रहा है, बोलना की है ये नहीं सिख रहा। हुण जो मूँह कह रहा वो खा रहा है, खाना की है मेरी बॉडी नू की ठीक रहेगा वो नहीं खा रहा, जो मूँह कह रहा खा रहा है, जो मूँह कह रहा है, जो मुख कह रहा है, मेरा नाक किवें रहेगा, मेरा मैं मूंह लैके की बोलांगा बरादरी अंदर, फिर वो खर्चे करदा है जिन्ना बिना सर सकदा सी, जिन्ने केवल मूंह ही अगे रखिया, मूंह रख के जी रहा। ज्ञानी जी कह लगे मूर्ख है, ते मूर्ख ते किसी का प्रभाव नहीं पैंदा। मैं भाई गुरदास साहब का एक बचन पढ़िया, इस शब्द अंदर भी वो बचन है, अगे जाके विचारांगे। भाई गुरदास साहब कहंदे ने कंचन कलस जैसे बाको पयो सूदो होए, सोने का बर्तन टुट जाए ना, सोने का बर्तन उहदे ते प्रभाव पै जांदा जे, वह ठीक हो जांदा जे, जुड़ जांदा है। सोने का बर्तन टुटे, कहे का बर्तन टुटे, लोहे का बर्तन टुटे, जुड़ जाते हैं ना, प्रभाव कबूल लेंदे ना किसी का, पर दूसरे बन्ने मिट्टी का टुट जाए। अज तक कोई तकनीक है कि मिट्टी का बर्तन जुड़ सके? उहदे ते किसी का प्रभाव ही नहीं पैंदा, टुट गया सो टुट गया। कंचन कलस जैसे बाको पयो सूदो होए, भाई गुरदास सोने का बर्तन टेढ़ा होया टुट गया सीधा हो जाता जे, छेद भी हो जाए उहदा छेद भी भरिया जाता जे, माटी को कलस फुटे जुरे ना जतन सह, पर मिट्टी का बर्तन टुट जाए नहीं जे उहदे ते प्रभाव पैंदा, वह नहीं जे जुड़दा। बसन मलीन तो ये निर्मल होत जैसे, कपड़े मैले ने, मैल नाल भर चुके ने, ऑप्शन है कि धोवो, इन्हां ते मेहनत करो, इन्हां विच्चों मैल निकल जाएगी, इन्हां दी जिहड़ी दिसदी हुई कालख दूर हो जाएगी। भाई साहब कहन लगे बसन मलीन तो निर्मल होत जैसे, ऊजड़ी ना होत कारी कांबरी पतन सै। जिहड़ा काला कपड़ा जिन्ना मर्जी धो लो, उहदे ते पानी का असर, धोबी का असर हो सकता है?
काला कदी चिट्टा हुंदा देखिया जे? मैनू खिमा करियो, काला रंग सिखां दा नहीं सी, बिल्कुल ही नहीं सी। अज भी जद असी रोष प्रगट करदे आ ते कालियां पट्टियां बनदे, ये सिखां ने रोष वजो यह रंग अपनाया सी। ये आखरी रंग है जिदे ते किसे दा असर ही नहीं। तुसी काले रंग का कपड़ा धोण की गल छड्डो, लिलारी को लै जाओ, कहो इहदे ते कोई होर रंग कर दे, नहीं होएगा, वो हथ खड़े कर दे। ये काला ते आखरी है, ते काले नू कोई खतरा नहीं हुंदा। मैनू मेरी बेनती नू समझियो, मैनू कहण दिओ, वाइट रंग नू खतरा है, होर कोई भी रंग उहनू खतरा दागी होण दा, काले नू कोई खतरा हो सकदा है? मैनू खिमा करियो, खतरा हुंदा जिहदे कोल कुछ होए। उहनां कौमां नू खतरा हुंदा, उन्हां सिद्धांतां नू खतरा हुंदा, उन्हां स्थानां नू खतरा हुंदा है जिन्हां कौमां कोल जिन्हां दे असूल बड़े उच्चे हुंदे ने, उन्हां नू खतरा। इसे लई उन्हां ते तशद्दुद हुंदा, उन्हां ते उन्हां दे सिद्धांत नू मिटाउण लई हमले हुंदे ने, किसी ना किसी तरह उन्हां नू मिटाउण दा जतन किया जांदा है। जग दे दीवे नू खतरा हुंदा जे, बुझदे नू कोई खतरा नहीं जे। जिदी अपनी दस्तार सिर ते आ ना, जिहड़ा सांभ के रखदा है उहनू खतरा है, जिन्हें ला के पहले ही कछ च लई है, जिहदा जिहड़ा अपना सत्कार आप ही नहीं करदा, उहनू किसी दे अपमान दा की खतरा होएगा? भाई साहब कहन लगे, बसन मलीन तो निर्मल होत जैसे ऊजरी ना होत कारी कांबरी पतन सै, जिन्ना मर्जी रगड़ लो काली कंबली कदी उजली नहीं जे हुंदी। कई बिल्कुल काले रंग वर्गे हुंदे ने, जिन्ना मर्जी समझा लो नहीं समझते। कहां स्वान को सिमृत सुनाए, गुरु ग्रंथ साहिब स्वान कहिंदे ने कुत्ता, कुत्ते नू जिन्ने मर्जी कोई ग्रंथ सुना दे, जिन्ना मर्जी उपदेश दे दे, उहदे ते असर हो सकदा है। चलो किसी जानवर ते किसी पशु ते उपदेश का असर ना होए, समझ आउंदा बोधक नहीं आ, उन्हां कोल ज्ञान समझण की नैचुरली समर्था नहीं आ, पर बंदे ते भी उपदेश का असर ना होए। पानी ते पानी का असर पत्थर ते ना होए, गल समझ विच आउंदी है, पत्थर है कठोर है, ते जिस बंदे ते बाणी दा असर ना होए की कहना पएगा, ये भी कठोर है। भाई साहब जी ने तीसरी उदाहरण दिती, लकटी अगन सेकत ही सूती होए। लकटी दा अर्थ हुंदा है तूत दी लकड़, तूत दी सोटी नहीं हुंदी पिंडां च जिहदे टोकरे बनदे ने, तूत दी सोटी विंगी होए ना, ते जेड़े टोकरे तैयार करदे नू अग ते सेक के ते सिद्धी कर लैंदे ने, उहदे च सुभावना है। ते मैनू खिमा करियो, कईआं दे अंदरों सुभावना ही खत्म हो जांदी, सुभावना ही खत्म है। लकटी अगन सेकत ही सूती होए सवान पूछ। भाई गुरदास साहब कहन लगे, कुत्ते दी पूछ भी विंगी आ, आदि काल तो विंगी आ, जिन्ना मर्जी सेक लो अग दा असर होएगा? कदी नहीं होएगा। लकटी अगन सेकत ही सूती होए सवान पूछ प्रगट मन तन सै। कहन लगे, इवें कुछ ने जिन्ना ते किसे दा कोई उपदेश दा असर हुंदा ही नहीं, आए ने गए ने बस, जिमें पुठे घड़े दे घड़ा पुठा पिया होवे, जिन्ना मर्जी मीह पए खां पानी अंदर वड़ेगा, ते दोष पानी दा। अज बाबा नानक साहब इहो जिहियां उदाहरणां दे के मूर्ख आदमी दी गल करदे ने, मच्छी तारू क्या करे पंछी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे। सर्दी दी रुत आउंदी आ ना, पत्थरां नू पाला लगदा, पत्थरां ते पाले दा असर हुंदा, कदी कंब दे वेखे ने, जिन्ना मर्जी शीतलता दी रुत होवे, जिन्ना मर्जी मीह पए, जिन्नी मर्जी ठंड पए, देशां विदेशां विच आके देखिया पत्थर थल्ले टक्के हुंदे ने, उपर बर्फ जमी हुई है, कोई नहीं कंबदे,
असरी ने। कह लगे कई बिल्कुल एदा दे ने गुरु ज्ञान दा, गुरु दे ठंडे उपदेश दा उन्हां ते असर ही नहीं है। भाई गुरदास साहब ने इनू इवें नहीं लिखे है, जिहड़ी ध्यान देना। भाई साहब कह लगे रतन मणी गल बांदर है के की मना जाना, बांदर दे गल विच हीरियां दी माला पा दो, उहदी कीमत समझदा ते की हीरियां दी माला कीमती नहीं। रतन मणी गल बांदर है के की मन जाना, कड़सी साओ ना संभल। कदी कड़सी नू पुछो, सब्जी दे विच रहिंदी आ ना, वरतारी हुंदी आ ना, वरतौंदी आ कि कड़सी स्वाद आया ही सब्जी दा, आया हुंदा उहनू ते की सब्जी स्वाद नहीं हुंदी। कड़सियां फेरन, गुरु ग्रंथ साहिब कह लगे कड़सियां फिर दिया ने, मैनू खिमा करो कई ते गुरु घर में फिर दे ने, असर किसे दा ने। साडे वर्गियां दी गल छड्डो, उन्हां ते गुरु दी बाणी दा असर नहीं। कह मुछां खड़ियां करके कहणगे 30 साल हो गए सेवा करदे, ते कईआं नूं ते कहना पैंदा लगदा तुसीं सेवा कीती ते बाकी ते किसे ने कीती नहीं, फिर वो लोचना करनगे। कई बार एक मैं बेनती करा, बंदा दूसरों की आलोचना करता है इन्हें कड़सी की तरह, रहिंदे गुरु घर च ने असर कोई नहीं, तो दूसरे की आलोचना करके किसी की किसी से क्रिटिसाइज करके बंदा कभी महान नहीं जे बनता। मैं भाई गुरदास साहब का एक बचन तुहाडे सामने रखन लगा, छलली मैं जैसे देखिया तो अनेक छिदर, जिहड़ी कड़छी है जिहड़ी छलनी है, आटा छानण वाली छाननी, उहदे च किन्ने छेद ने, ते ओ जिहड़ी आटा छानण वाली छाननी है ओ उस कुंभ दा उस घड़े की आलोचना करे जिहदे विच टूटी लगी हुई है। वो आखेगी जे मेरे विच छेद है छेद तेरे विच भी है, वो कहेगा भैणे मेरे छेद राही निकलिया होया पानी किसी की प्यास बुझांदा वा, पर तेरे छिदर छलनी मैं जैसे देखे तो अनेक छिदर। हुण जिहड़ी छाननी आ तत सुट दिंदी आ, आटा सुट दिंदी आ, कूड़ा करकट सामदी है, तो हुण छलनी जिहड़ी है कुजे की निंदा करे। छलनी मैं जैसे देखे ते अनेक छिदर, करे करव की निंदा कहो कैसे बन आवे जी, जैसे उपहास करे बाईस मलाद प्रत। उपहास दा अर्थ हुंदा है मजाक करना। एक मैं बेनती करा, कदी भी किसी नाल व्यंग विच गल ना करो, कई बार व्यंग की गल भी हिरदा चीर के रख दिंदी है। सिंह साहब जी एक बंदे की सारे सिफत कर रहे हो ना, सारे भी बड़ा ही चंगा बड़ा ही चंगा। एक मेरे वर्गा दवैखी उठे कह जी छड़ो जी, होर कुछ कहने की लोड़ नहीं होंगी, छड़ो जी बस ठीक है, क्या कुछ नहीं है उन्हें, पर उहदे पल्ले भी कुछ नहीं छड़िया। यह है भी गल कही भी नहीं, संदेह भी पैदा कर दिता, तो इहो जे संदेह पैदा करन वाले किसी की शख्सियत ते संदेह पैदा करके खुद महान बन सकते ने। शायद कोयल की आवाज इन्नी उच्ची ना होवे जिन्नी कां दी होवे, पर मधुरता किहदे विच है। जैसे उपहास करे बाईस मलाल प्रत, बाईस दा अर्थ हुंदा है कां, कां जिहड़ा है वह हंस का मजाक उड़ा सकता है, पर दोनों नूं जद सरोवर ते लैके जाओगे फिर पता लगेगा कि चंगियाई किहदे अंदर है। जिहड़ा हंस है ना मोती चुगेगा ते कां गंदगी लभेगा। जैसे उपहास करे बाईस मराल प्रत, शाड मुक्ताहल दुर्गंध लिव लावे जी। कह लगे इवें कई ने जिन्हां ते गुरु का असर ज्ञान का असर नहीं हुंदा। मच्छी तारू क्या करे, पंछी क्या आकाश, पत्थर पाला क्या करे, खुशरे क्या करवास। जिहड़ा खुसरा है उहदा विवाह कर दो, उहदे ते कोई विवाह का असर होएगा, प्रभाव पएगा, उहने ते
जो कुदरत ने बनाया वही रहना है। कुत्ते चंदन लाई है, कह लगे कुत्ते ते चंदन छिड़क दे, कुत्ता राज बहाली है। इथे कुत्ता कदी राज ते नहीं बहिंदा, कुत्ते दी बिरती वाले, कुत्ते दी सोच वाले। मस्कीन जी का कहना भी कुत्ते दी सोच की है, दूसरा कुत्ता बर्दाश्त नहीं, दूसरी गली दा जाए सही बर्दाश्त कर दे। महाराज ने बाणी अंदर भी किया, कह लगे एते कुकर हों बेगाना, मैं तो बेगाना कुत्ते दी तरह, मैं तो कल्ला वा। ते बाबा जी कह लगे कुत्ता अपना सुभाव नहीं छड्डदा। ते कबीर जी ने पता की किया, कहां स्वान को सिमरत सुनाए, कहां साकत पै हर गुण गाए, कौआ कहां कपूर चराए, कह बसीर को दूध पियाए, अमृत लै लै नीम सिंचाई। भगत जी कह लगे मैं अमृत लै लै के निम दी मुढ़ विच पाया, निम दे मुढ़ विच, भी शायद इहदा फल मिठा हो जाए। तो हो सकदा निम अपना सुभाव बदलदी है। अमृत लै लै नीम सजाई, कहो कबीर ओआ को सहज ना जाई, कुत्ते चंदन लाइए भी सो कुत्ती तात। ओदा असला कुत्तियां वाला ही रहना, भावे उहदे ते चंदन ला दिओ। बोला जे समझाइए, बोले अगे गावीए भैरो सो गौड़ी। भाई गुरदास कह लगे बोले दे अगे भैरो राग गा लो, ते बोले दे अगे गौड़ी राग गा लो। बोला राग ना समझी, भाई गुरदास कह लगे बोले ते राग दा असर नहीं हुंदा, राग दा असर नहीं कबूलदा। इत्थे गुरु के कीर्तनीए कीर्तन करदे हुण ते कोई बोला बैठा हो, बहरा बैठा हो, सारे झूमदे होणगे, उह स्थिर होएगा। कहन लगे इवें ही हे नानक, कि जिहड़े बोले ने उहनां नूं जिन्ने मर्जी धर्म ग्रंथ समझा दिओ, उहनां ते असर नहीं। पढ़ियां सिमरत पाठ अंधा चानण रखी है, अंधे दे अगे करोड़ां दीवे बाल दो। मैनूं खिमा करिओ, अन्ने नूं अंधेरा भी नहीं दिसदा, जे अंधेरा देखण लई भी अच्छा अखा विच रोशनी चाहीदी। अंधेरा हो जाता जकदम, किवें देखदे अखां दे राहीं। ते कहन लगे जिहड़ा है ही ब्लाइंड है, उहदे अगे करोड़ां दीवे, करोड़ां सूरज भी चढ़ जाण उहदे ते, दीवियां दा सूरजां दा कोई असर होवेगा? दीवे बलें पचास, पंजाह दीवे बाल दो, लखां दीवे बाल दो, उहदे ते दीवियां दे असर नहीं। चौने सोना पाई है, चौना कहिंदे ने वग, पशुआं दा वग, पशुआं दी खुरली दे विच सोना कट कट के पा दिओ, हीरे पा दिओ, पशु दी कीमत जानणगे, खाणगे नहीं खाणगे। चुण छुण काम है, दोनों चीजां रला दिओ। मैनू खिमा करिओ, हर बंदे दी जिंदगी अंदर गुण ते औगण ने, एक रब ते गुरु तो बिना कोई ऐसा नहीं जिदे विच गुण ते औगण नहीं। डिपेंड करदे बंदे दी बिरती की हो जी, लैण वाले दी बिरती की हो जी। हुण बिरती जे पशु वाली है, ते फिर बंदे ने ते घा ही खाना है ना, उन्हें घा ही चुगना है ना। चौने सोना पाइए, चुन चुन काम है घास, लोहा मारन पाइए। कहन लगे लोहे नूं जिन्ना मर्जी पिघला लो, पर टहै ना होए कपास, ओ कदी कपाह नहीं बन सकता, जिन्ना मर्जी उहदे ते जतन कर लो, जिन्नी मर्जी मेहनत कर लो। भाई गुरदास साहब ने एक होर वचन कीता, भाई साहब कहन लगे सवाल ए नहीं है तू मेहनत किन्नी कीती, सवाल ए है मेहनत कीती किथे है। कई ऐसे ने जिन्हां ते असरी कोई नहीं। ते हजूर अगे फरमाउंदे ने, नानक विश्राम लाउणा नानक ते, नानक मूर्ख नहीं, नानक मूर्ख इह गुण, मूर्ख दे इह लक्षण ने। बोले सदा विनाश, जद भी बोलेगा गलती बोलेगा, जद भी बोलेगा मीनिंगलैस बोलेगा, जद भी बोलेगा कौड़ा बोलेगा। और एक मैं बेनती करां, बोल अंदर ने
अजे उन्हूं रसना ने जामा नहीं पहनाया शब्दां दा, ओ नहीं जी दिल तोड़ दे। ते जे बोल रसना दे जामे दे राही शब्द राही बार आ गए ना, फिर मैं वेख्या जे कि ना गोलियां चलदियां ने ना तलवारां ही चलदियां ने, घर टुट जांदे ने, रिश्ते टुट जांदे ने। ते ध्यान ना देखियो चलिया पता की हुंदा, केवल जुबान। भाई गुरदास साहब का एक बचन है, जैसे बाण तनुख सहत हवै निज बस, तनुख तुहाडे कोल है, तीर तुहाडे कोल है, तुहाडे वस विच है, ते जेकर छड्ड दिता शायद तीर ते कोई चुक के लै आया वापस, छुटत न आवै पुन जतन से हाथ जी, पर याद रखी तेरे जुबान रूपी तनुख विचों जद शब्द रूपी तीर निकल गया ए वापस नहीं आना। जैसे बाग बंद साला विखे बंद हो रहा है, बाग कहिंदे ने शेर, शेर पिंजरे दे विच है, कंट्रोल विच है, ते जे बाहर हो गया फिर वापस ले आ सकेगा। खुले तो ना आवै पुन बसै ना साथ जी, जैसे दीप दीपत ना जानिए भवन बिखै। भाई साहब कह लगे दीवा घर विच जाग रहा है, दिखाई दिंदा, ते जे वो अग बन जाए फिर खबरां छपदियां ने। मैनू खिमा करियो, कईयां दे बोल जेड़े ने अग बन जाते ने, खबरां छपदियां ने। जैसे दीप दीपत ना जानिए भवन बिखे, दावा नाल भए ना दुराए दुरै नाथ जी, दीवा छिप जांदा जे क्योंकि अंदर है। जे वो अग बन जाए फिर नहीं छिपदा, जे अग ला दे तैसे मुख मद बानी बस्त ना को लखै। बंदे दी पहचान ही बंदे दे बोलां तो हुंदी, बंदा है की। ते बाबा जी कहन लगे मूर्ख दे ए गुण ने कि बोले सदा विनाश महला पहला, कहां कंचन टुटै सार, कहें दा बर्तन कंचन दा बर्तन, लोहे दा कोई बर्तन कोई भी चीज टुट जाए अग्नि गंड पाए लोहार, लोहार उन्नू जोड़ दिंदा है, सुनार उन्नू जोड़ दिंदा है। कहां कंचन टुटै सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती, इथे गोरी दा अर्थ है पत्नी। गुरु ग्रंथ साहिब अंदर गोरी शब्द बड़ी जगह ते आया है, पर इथे अर्थ है पत्नी, पति ते पत्नी दा किते झगड़ा हो जाए टुट जान दूर हो जाने एक दूजे तो, ते पुत्ती गंढ पवै संसार, पुत जोड़ दिंदे ने। इहदा अर्थ नहीं कि पुत्तां दे नाल गंढ पैंदी संसार अंदर। मैं अपने दादे तक दा नां जानदा पहला, मैनू किसे दा नां पता नहीं। पुत उह जिहड़ा दोनां नूं जोड़ के रखदा है, पुत करके फिर जुड़ जांदे ने, ती बेगाने घर चले जांदी है। पुत्ती गंढ पवै संसार, राजा मंगा, कह लगे राजा टैक्स मंगदा, ते जे राजे ना बनाउणी जे हुण ते हर जगह जिथे भी बनाउणी है तुहानू देना ही पैना है। राजा मंगा दित्ता है, राजा मंगदा टैक्स, दोगे ते राजे ना बनी रहेगी, नहीं ते फिर छापे पैणगे, नहीं दोगे तो। राजा मंगा दित्ता है गंड पाए भुखियां गंड, शरीर नाल जे जुड़े रहना, शरीर नूं सलामत रखना, भुख लगी है ते जे खाएगा ते शरीर सलामत रहेगा, नहीं खाएगा ते तेरा शरीर खत्म हो जाएगा। साडे त्रैमण द्योरी चले पानी अन्न, भुखियां गंड पवै जां खाए, काला गंड काल तो बचिया जा सकदा है। नदियां मीह झोल जे मीह आउण, नदियां वह तुरन ते काल नहीं पैंदा, काल तो बच जाईदा है। काला गंड नदियां मीह चोल, गंड प्रीति मिठे बोल, कह लगे मिठे गो बोल प्रीत पा दिंदे ने। जदों भी तुहाडी किसे नाल प्रीत पई होएगी, प्रेम पिया होएगा, बोलां करके पिया होएगा, मिठे बोलां करके पिया होएगा, ते जद भी प्रेम टुटा होएगा बोलन करके टुटिया होएगा। मैं शायद एक बार पहला भी धनी राम चात्री की कविता तुहाडे सामने रखी सी, उन्होंने जुबान ते कविता लिखी है। बोटी तोला नरम मास दी, बंजे तेज कटारी जीब,
लकड़ी वांग दिलां नूं चीरे बिन दंदियां दे आरी जीब ओए बड़ बोले मूंह तो गल त चंगी करिया कर तेरे चुल्ले मूंह मुछ तुखदी पखदी दिसे तेरी अंग्यारी जीब ओ तैनू पता नहीं जीब चढ़ाए हाथी उत्ते जीब लताड़े हाथी पैर जीब शत्रु मित्र बनाए तोड़े रिश्तेदारी जीब सत्यानाश न हिंददा हुंदा छिड़के कैरों पांडो जंग जेकर द्रौपदी सांभ रख दी मूंह मुछ तेग दुतारी जीब बत्ती पैरे दान बराए रब ने करके इसनू कैद फिर भी वार दिलां ते कर दी चंडी औगनहारी जीब गंड प्रीति मिठे बोल मिठा बोलेगा प्रीत पैजेगी गंड तेरी वध जी प्रीत वध जाएगी ते बेदां गंड बोले सच कोए करम ग्रंथा नाल तां तेरा नाता जुड़ेगा जे सच बोलेगा सच्चे दे दरबार कूड़ ना जाइए अंधेरा लैके प्रकाश कोल जा सकते हैं अंधेरा दोनों बन्ने गलबकड़ी पाई होते रोशनी कोल चले जाइए। बाबा जी कह लगे बेदा नाल गंड पैनी है जे सच बोलेगा मोया गंड मरे हुए बंदे भी मैं लोगों नाल जुड़े हुए देखे लोग उन्हां नाल जुड़े हुए देखे चले गए ने महाराजा रणजीत सिंह चले गए करन चला गया अज भी करनाल है किस करके मोया गंड नेकी उन्हें नेकी कीती ते दान कीता दान तो बिना बंदा मर जांदा जे भावे अरबां पति होवे ते हजूर अगे फरमाउंदे ने एत गंड वर्थ है संसार ए संसार दियां गंडां ने संसार इवें चलदा ते मूर्ख गंड पवे मुहमार अगर मूर्ख कोलों बचना ही ते ओदे मुंह ते मारना पेगा। कई बार बंदे समझाया नहीं समझते। भाई गुरदास साहब ने इनू इवें लिखे है कह लगे नाभ कुथूरी मिर्ग दै मिर्ग की धुनी विच कस्तूरी है ते मिन्ता नाल देगा नहीं देगा उन्हें चीरना पेगा। खिमा करियो कई बंदे गल समझते नहीं मूर्ख जड़े हुंदे ने समा नहीं आ। अगे हजूर अगे फरमाउंदे ने नानक आखे यह विचार नानक जी विचार दे रहे ने सिफती गंड जिमें उपर मैं गंडा का जिक्र किया ना रब दे नाल जोना ते रब दियां सिफतां कर पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार परमात्मा आपे कुदरत नूं बना के दा ख्याल रखदा इहदा ध्यान रखदा। एक ये बहुवचन च जिथे एक आए ना ईड़ी नूं सियारी कक्के नूं भी उन्हों हमेशा अलग पढ़ना किते भी गुरु ग्रंथ साहब चाहे बहुवचन है एक खोटे एक खरे कई खोटे पैदा किते रब ने कई खरे ने एक खोटे एक खरे आपे परखनहार वो परमात्मा खरे खोटियां दी परख आप करन वाला है। खरे खजाने पाईयां जेडे खरे ने खजाने विच प्रवान हुंदे ने खोटे सटियां बाहर वार खोटा रुपया किसी ने तो गले च रखेगा कहेगा लै जाओ जी खोटे भरे बंदे भी रब दे घर प्रवान नहीं हुंदे खोटे सच्ची दरगह सुटियां सच्चे दी दरगाह अंदर जेडे मनो कुछ होर ने ते बोल दे कुछ होर ने जेडे कई चेहरे लैके तुरे फिरदे ने वो रब दे घर प्रवान नहीं हुंदे किस आगै करें पुकार वो अपनी इस खुटियाई दी किदे अगे पुकार करन सतगुर पिछे भज पवें एहा करनी सार जे तू गुरु दे चरणा में डिग पए पिछले गुनाहां दी माफी मंगे सतगुर खोटियों खरे करे सतगुरु खोटियां तो खरे कर दिंदा ते शब्द सवारन हार सच्ची दरगह मन्नियन वो सच वाहिगुरु जी दे घर विच माननीय हो जांदे ने गुर कै प्रेम प्यार जिन्हां नूं गुरु परमात्मा दा प्यार दे दिंदा। गणत तिन्हां दी को क्या करे उन्हां दे फिर ऐबां दी कौन गिनती करदा जिन्हों रब बख्श लै उन्हां दे गुनाहां दी गिनती नहीं कोई कर सकदा भाव जिन्हां नूं वाहिगुरु अपने चरणां नाल जोड़ लै उन्हां दा इह लोक सुखिया परलोक सहेला हुंदा। इन्ने को बचन प्रवान करने